के अनुसार शनि देव ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। इसके बाद शनि देव ने भोलेनाथ से कहा कि दुनिया में कर्म के आधार पर सजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि सजा का प्रावधान नहीं होने के कारण हर कोई मनमानी कर रहा है। इसके बाद शनि देव ने कहा कि आप मुझ में ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं लोगों को कर्म के आधार पर दंड दे सकूं। शनि देव की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद से ही शनि देव लोगों को कर्म के आधार पर दंड देने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं शनि देव को भी दंड मिला था? जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है निकेत और एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। एक बार की बात है, शाम होने को थी, शीतल मंद मंद हवा बह रही थी। हनुमान जी राम सेतु के समीप राम जी के ध्यान में मग्न थे। ध्यान वीन हनुमान को ब्रह्म जगत की स्मृति भी ना थी। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर ठहर रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है, टकराने की बात ही क्या। मेरे आने की आहट से ही बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं देव देवते तक कांप उठते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां दो दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई ढंग से उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जब शनि देव यह विचार कर रहे थे, उनकी दृष्टि श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने हनुमान जी से ही दो हाथ करने की सोची। युद्ध का निश्चय कर शनि उनके पास पहुंचे। हनुमान के समीप पहुंचकर अत्यधिक उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश आवाज में कहा, बंदर, मैं महाशक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अपना फालतू का पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कड़वी वाणी सुनकर भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शीलनता से एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका क्या उद्देश्य है? शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरे नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल कोरस की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, शनि देव मैं काफी थका हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें विघ्न मत डालिए, कृपया पूर्वक अनियंत्र चले जाइए। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना परिवार तो स्थापित कर ही देता हूँ। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की, देव मैं थका हुआ हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। घमंड से भरे शनि ने हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर से कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है, किंतु युद्ध तो तुमसे मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए लड़कारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने पुनः हनुमान का हाथ पकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। वे असहाय होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनि देव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शीतल ना हो सका। हनुमान की विशाल पूंछ दौड़ने से वानर भालुओं द्वारा रखे गए पत्थरों पर टकराती जा रही थी। वीरवर हनुमान जानबूझकर भी अपनी पूंछ पत्थरों पर पटक देते थे। अब शनि की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। पत्थरों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा ना थी और उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखित स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय महाभक्तराज मुझ पर दया कीजिए, अपनी बेवकूफी का दंड मैं पा गया, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हुए।
सनी का अंग अंग लहू लुहान हो गया था, उनके रग रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान ने सनी से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए सनी ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कीजिए। भक्तवर हनुमान ने सनी को छोड़ दिया। सनी ने अपना चोटिल शरीर से सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और चोट की पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें तब जो तेल प्रदान करता उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चलाया जाता है। तो मित्रों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अभी के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय श्री राम।